आप सभी का स्वागत है पैराडाइज मीडिया नेटवर्किंग चैनल पे। तो आज का पॉडकास्ट करवा चौथ के ऊपर है। करवा चौथ क्यों बनाते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है, हम ये जानेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। उससे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ सुहागने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, तो आइए जानते हैं कि आखिर करवा चौथ क्यों बनाते हैं। सनातन परंपरा में सुहागन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ये व्रत हिंदू परंपरा का खास प्रतीक है। विवाह और दंपत्ति की मधुरता और पवित्रता का प्रतीक ये त्यौहार हर तरीके से बेहद खास है। इस व्रत की कहानी में एक स्त्री वीरावती की कथा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वीरावती एक सेठ की पुत्री है और उसके सात भाई हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन वह भूल जाती है चांद को देखना और बिना देखे ही भोजन ग्रहण कर लेती है। इससे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह पश्चाताप और अनुष्ठान करती है जिससे उसका पति जीवित हो जाता है। करवा चौथ के तौर पर लगभग सभी ये औरतें इस कथा को सुनती हैं। यमराज का वरदान है करवा चौथ। असल में ये सिर्फ व्रत का लाभ बताने वाली कथा है। कार्तिकी की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी कुछ और ही है। असल में ये करवा नाम की एक दूसरी स्त्री की कहानी है जिसने सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने करवा को उसकी पति श्रद्धा देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा। जो स्त्री ऐसा व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा चली पड़ी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए बनाते हैं। और आज का पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।